ऐसे मनने वाली है। दिवाली जब भगवान स्वयं उतर रहे हैं तो दिवाली क्या कहा जा सकता है इसमें, जब स्वयं नारायण जब धरती पर रहा था। अभी तो राम में देखिए कल से परसों से अति पूरा ठंड था। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एचवी दस्तक में स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त बाल सनी धाम पर हूं और यहां पर आपको बता दें कि जैसे कि 22 जनवरी को राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है अयोध्या में, और पूरे देश भर में, पूरे भारतवर्ष की बात करें तो पूरा भारतवर्ष है जो राममय हो चुका है। जगह जगह पर पूरे तीर्थ स्थलों को सजाने का कार्यक्रम है जो आरंभ हो चुका है। सभी भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ स्थल हैं सभी को सजाने का कार्य है जो आरंभ हो चुका है। और ऐसा माना जाता है कि ये 22 जनवरी का दिन है जो दूसरा दीपावली के रूप में मनाया जाने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 550 वर्षों का संघर्ष है जो सभी सनातनियों का पूरा हुआ है। तो पूरे सभी सनातनियों में, भारतवर्ष के सनातनियों में खुशी का एक लहर है जो उमड़ पड़ी है। यहाँ पर जो बाल सनी देव महाराज जी हैं, और हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि इस सनी धाम पर आखिर 22 जनवरी के दिन है जो क्या कुछ खास होने वाला है। सनी देव महाराज की जय हो। क्या आप हमें ये बताइए महाराज जी की 22 जनवरी जो दिन है, जो पूरे 550 वर्षों के बाद है, जो कहीं ना कहीं हम सनातनियों का ये सौभाग्य है जो प्राप्त हुआ है कि हम अपनी आँखों से है जो राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जो देखेंगे, तो 22 जनवरी के दिन क्या कुछ तीर्थ स्थलों पर है जो तैयारियां चल रही हैं? हम लोग यहाँ बाढ़ शहर में रहते हैं और एक काव्य प्रतिदिन पाठ हम लोग करते रहते हैं। बाढ़ बनारस एक है बसत गंग के तीर, उमानाथ की दरसते कंचन होत शरीर। बाढ़ को छोटी काशी या गुप्त काशी के रूप में भी बताया जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम का जब मुंडन हो रहा था तो श्रृंगी ऋषि, जो हम लोगों से लखीसराय के पास पर्वत श्रृंखला में श्रृंगी ऋषि का आश्रम विराजमान है, श्रृंगी ऋषि आश्रम में उनका मुंडन हुआ था प्रभु श्री राम का। तो मुंडन के लिए जाते समय बाढ़ नगर में रुक भी उनका ठहराव हुआ था, तो इस कारण बाढ़ नगरी की प्रधानता है। बाढ़ नगरी के एक छोर पर बाबा उमानाथ हैं तो दूसरे छोर पर बाल सनी धाम विराजमान हैं। पूर्वी छोर पर बाबा उमानाथ विराजमान हैं और पश्चिमी छोर पर शनिदेव का मंदिर विराजमान है। ये दोनों नगर के एक दो किनारे खड़े होकर के नगर के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। जहां बाबा उमानाथ नगर के सम्राट हैं, वहीं बाल शनिदेव नगर के सेनापति हैं। तो इस प्रकार से ये बाढ़ नगरी है। और अभी बाल शनि धाम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बाढ़ नगर की मर्यादा को कायम रखते हुए अपने स्तर से हर संभव इस स्थिति को महसूस करने का प्रयत्न कर रहा है कि हम भी बाढ़ में रह कर के अयोध्या में सम्मिलित हो रहे हैं। मानो अयोध्या के साथ साथ अयोध्या यहाँ भी एक अयोध्या प्रकट हो रहा है। इस भाव को धारण करते हुए बाढ़ के लगभग सभी मंदिरों में उत्सव मनाया जा रहा है। उसी के श्रृंखला में बाल सनी धाम पर भी कल सुबह 21 जनवरी की सुबह 6 बजे से भगवान श्री राम के विजय मंत्र का जाप, श्री राम जय राम का, जैसे कि अखंड के रूप में विजय मंत्र का जाप होगा। श्री राम जय राम मंत्र का जाप कल सुबह 21 जनवरी की सुबह 6 बजे से 22 जनवरी की सुबह 6 बजे तक होगा। कल 21 जनवरी को संध्या काल में जो भक्त भजन कीर्तन में उपलब्ध रहेंगे, उपस्थित होंगे यहाँ, उनके लिए चाय एवं फलाहार का प्रबंध रहेगा। कल एकादशी है इसलिए चाय और फलाहार का प्रबंध किया जाएगा। प्रसादी में फलाहार होगा, चाय होगा। और परसों सोमवार को सुबह 6 बजे हवन हो जाएगा, और हवन के बाद यहाँ जो है स्क्रीन लगवाया जा रहा है, स्क्रीन के माध्यम से अयोध्या से लाइव प्राण प्रतिष्ठा का दृश्य भक्त लोग बैठ करके दर्शन कर पाएंगे। दर्शन के बाद जब वहाँ अयोध्या में भगवान श्री राम का आरती आरंभ होगा, उस समय यहाँ भी 54 दीप के आरती से मंदिर पर घंटा घड़ियाल बजा करके भक्तों के साथ मिलकर आरती का आनंद प्राप्त करेंगे, भगवान की आरती करेंगे।
संध्या काल में अधिकाधिक संख्या में भक्तों की उपस्थिति की संभावना है। लाखों दिए बार नगर में जलाए जाएंगे। उस श्रृंखला में शनि मंदिर का भी एक अपना स्थान होगा। तो इसी बीच हमारे साथ मोहन जी भी हैं और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये 550 वर्षों का कहीं ना कहीं तपस्या है जो हम सभी सनातनियों का है, जो सफल हुआ है, तो कहीं कितने आप क्या देखते हैं, कैसे क्या लगता है इस बार है जो क्या? दिवाली है जो कैसे मनने वाली है? दिवाली जब भगवान स्वयं उतर रहे हैं तो दिवाली क्या कहा जा सकता है इसमें। जब स्वयं नारायण जब धरती पर रहा था, अभी तो राम में देखिए कल से परसों से अति पूरा ठंड था और देखिए आज से शुरू हुआ हल्का हल्का, देखिए राम राज हो गया ना, देखिए राम। हाँ, और हम लोग भाई शनि धाम के भाई शिष्य हैं, गुरु जी के शिष्य हैं, और गुरु जी आपको विस्तार से बताइए दी रहे, जो कही ने वो सत है। तो ये 550 वर्षों की तपस्या है जो कहीं ना कहीं हम सभी सनातनियों का पूर्ण हुआ है, तो जिससे लोगों में खुशी की लहर इस प्रकार है कि इस 22 जनवरी को दिन को ऐसा एक अद्भुत दिन बनाना चाहते हैं कि पूरे इतिहास में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में ऐसा है जो ये दृश्य है जो देखने के लिए आपको फिर दोबारा है जो आपको नहीं मिलेगा। तो आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।